सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारा क्षेत्र अधिकार आता है प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार या मौलिक क्षेत्र अधिकार जिसे कहा जाता है। चाहे प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार आप इसे कह सकते हो या फिर इसे मौलिक क्षेत्र अधिकार भी कह सकते हो। प्रारंभिक या फिर इसे मौलिक क्षेत्र अधिकार कहा जाता है। इसमें क्या होता है प्रारंभिक और मौलिक क्षेत्र अधिकार में क्या चीजें आती है जो सर्वोच्च न्यायालय के पास पहला ही अधिकार होता है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्क किया जाता है। सबसे पहला काम होता है कि केंद्र व राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई करना, यानी केंद्र सरकार और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, राज्यों की सरकारों के बीच में अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनकी सुनवाई करने का काम कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दूसरी बात कि दो राज्यों के बीच में आपसी विवाद है तो उनकी सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तीसरी बात केंद्र व राज्य और राज्यों के बीच में विवाद, यानी कोई केंद्र है और एक राज्य का सपोर्ट कर रहा है वो दो है और बाकी सारे राज्य अलग है तो उनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए उन विवादों की सुनवाई करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, उन विवादों की सुनवाई करने का काम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का क्या आएगा, प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। सबसे पहला अधिकार क्या हो जाएगा कि केंद्र व राज्यों के विवाद, पहला काम क्या होगा कि केंद्र व राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई। सबसे पहला काम क्या हो गया, केंद्र व राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई। दूसरी बात राज्य व राज्य के बीच विवादों की सुनवाई, राज्य व राज्य के बीच विवादों की सुनवाई। तीसरी सुनवाई इसमें आएगा, इसमें मौलिक अधिकारों में केंद्र व राज्य और राज्यों के बीच अगली बात है केंद्र व राज्य और राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई। केंद्र व राज्य और राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और उसका पहला कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार, जिसे अपन प्रारंभिक काम कहते हैं, सबसे पहला काम होता है इसका, जिसके अंदर क्या क्या काम आएंगे। क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार कौन सा है, उनमें से एक ऑप्शन ये आएगा, इनमें से तीनों में से एक दे दिया जाएगा, तीन अलग दे दिए जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन सी चीजें आती है, तो केंद्र व राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई करने का काम कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। राज्य व राज्यों के बीच, यानी दो राज्यों के बीच में जो आपसी विवाद है उनकी सुनवाई करने का काम भी कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। केंद्र व राज्य और राज्यों के बीच विवादों का सुनवाई, यानी एक तो केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों एक तरफ हो और बाकी वाले किसी राज्य से उनका विवाद हो तो उनकी भी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब राज्य और राज्यों के बीच, मान लीजिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में विवाद है, तो ऐसी स्थिति में क्या राजस्थान हाईकोर्ट इसकी सुनवाई कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, सीधी बात है राजस्थान की तरफ पक्ष लेगा। ऐसी स्थिति में दो राज्यों के बीच में जब भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं उनकी सुनवाई हमेशा सर्वोच्च न्यायालय करता है और इसका पहला क्षेत्राधिकार यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ये काम आता है। और केंद्र की सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया उनकी भी सुनवाई करेगा, एक से अधिक राज्य एक साथ हो और केंद्र व राज्य एक साथ हो तो उनकी भी सुनवाई कौन करेगा,
सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब देखिए कुछ ऐसे अपवाद है जिनमें ये सुनवाई नहीं कर सकता है, कुछ ऐसे कारण है जहां पर ये सुनवाई नहीं कर सकता है, जैसे दो राज्यों के बीच में नदी जल विवाद आ गया, पानी को लेकर विवाद है तो उनकी सुनवाई, जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि राज्य व राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई, अगर नदी जल विवाद की बात आ जाए तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 262 में देख रखा है कि अगर नदी जल से संबंधित कोई मुद्दा आता है तो उसकी सुनवाई है तो संसद क्या बनेगी, एक आयोग बनेगा और वो आयोग जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी नहीं देगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो अपवाद स्वरूप हम बात करें, कुछ ऐसे अपवाद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय है उनकी सुनवाई नहीं कर सकता, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आते, जैसे दो राज्यों में नदी जल विवाद, नदी को लेकर अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगी, अनुच्छेद 262 के तहत इसको इनकी सुनवाई कौन करेगा, तो इसकी सुनवाई हमेशा संसद द्वारा एक आयोग बनाया जाएगा, उस आयोग के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और जांच करके इसकी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट नदी जल विवादों की सुनवाई नहीं करेगा। दूसरी बात, वित्त आयोग के सुझाव, वित्त आयोग के सुझाव आते हैं उन विवादों की सुनवाई नहीं करेगा। तीसरी बात, केंद्र वर्सेज राज्य व राज्य वर्सेज राज्य के बीच छोटे मोटे पैसे के विवाद, छोटे मोटे अगर कोई पैसे के विवाद आते हैं तो उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी, वो सुनवाई यहाँ पर नहीं हो सकती है। अगर कोई बड़ा मामला आता है तो उसकी सुनवाई हमेशा सुप्रीम कोर्ट करता है। ये तीन चीजें क्या है, अपवाद स्वरूप बताई गई है, ये अपवाद में आती है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई नहीं कर सकता, जबकि ऊपर क्या लिखा गया है कि जितने भी विवाद होंगे राज्यों के बीच उनकी सुनवाई करेगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि केंद्र वर्सेज राज्य और राज्य वर्सेज राज्य के बीच में जो छोटे मोटे पैसों के विवाद होते हैं उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, और वित्तीय आयोग के जो सुझाव होते हैं उनसे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, वित्तीय आयोग के सुझाव से संबंधित विवाद, इनकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, और दो राज्यों में नदी जल विवाद अगर आ जाता है तो उनकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक व मौलिक क्षेत्राधिकार के अंदर आती है। आ गया होगा समझ में आपके, चलो आप इस चीज को दौड़ लीजिए। अगला काम है सर्वोच्च न्यायालय का, वो है रिट जारी करना, रिट जारी करना, अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, रिट जारी करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा है, तो रिट और कौन सा न्यायालय जारी कर सकता है। जब हमने मौलिक अधिकार पढ़ा तब मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है, और एक और कौन सा न्यायालय रिट जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की, और उच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 6 प्रकार। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों प्रकार की रिट ये जारी कर सकता है,
सबसे पहली रेट होती है जिसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। दूसरी होती है प्रतिषेध। तीसरी रेट का नाम होता है परमादेश। और चौथी रेट का नाम होता है उत्प्रेषण लेख। और सबसे लास्ट में होती है अधिकार प्रश्न लेख। ये पांच प्रकार के रेट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या की जाती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम किया जाता है। अब ये पांच रेट और कौन सा न्यायालय, उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है, इसके अलावा एक राहत लेख जिसे इंजेक्शन लेख कहा जाता है वो उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। तो उच्च न्यायालय कितने प्रकार की लेख जारी कर सकता है, छह प्रकार की रेट जारी कर सकता है। लेकिन ये कितने प्रकार की रेट जारी करेगा, पांच प्रकार की रेट जारी करेगा। ये बात किसकी है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की। अगली बात है सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगला सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील आप किस मामले में कर सकते हो, अपीलीय क्षेत्राधिकार संबंधी उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 134 में किया गया है। अपील से संबंधित क्षेत्राधिकार, आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कब कर सकते हो, अपनी याचिका आप सर्वोच्च न्यायालय में कब ले जा सकते हो, इस स्थिति में यहाँ पर उल्लेखित किया गया अनुच्छेद 132, 133 और 134 के रूप में। सबसे पहला अपीलीय क्षेत्राधिकार में हम बात करें तो संवैधानिक अनुच्छेद 132 क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कह दिया जाता है कि ये मामला संवैधानिक है, इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कई ऐसे मामले होते हैं जिसकी जांच हेतु उच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है, यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला आ जाए तो उसकी जाँच हमेशा कौन करता है, उसकी जाँच हमेशा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित जितने भी मामले हैं, संविधान से संबंधित कोई मामला हो गया और संविधान को व्याख्या से संबंधित कोई मामला आ गया तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय नहीं कर सकता, उसकी सुनवाई कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो संवैधानिक मामलों का मतलब ये हो गया कि ऐसे मामले जिसमें संवैधानिक व्याख्या का मामला हो, तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा, तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी मुद्दा आएगा अनुच्छेद 132 के तहत उनकी अपील आप कहां कर सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय से आप संतुष्ट नहीं हो तो सीधे आप कहां चले जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय। अब अगला आता है दूसरा जिसे अपन कहते हैं दीवानी, दीवानी मामले। दीवानी मामले का मतलब ऐसे मामले जिसमें किसी की जमीन हड़पना हो गया, किसी की संपत्ति को हड़पना हो गया, किसी को तलाक देना हो गया, किसी से विवाह करना हो गया, ये सारी चीजें होती है, ये सब दीवानी मामले होते हैं। छोटे प्रकार के मुकदमे होते हैं, ये अधीनस्थ न्यायालयों में चलते हैं और इन मुकदमों की सुनवाई हमेशा छोटे न्यायालयों में होती है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला हो कि सर्वोच्च अधीनस्थ न्यायालय ने क्या किया, उसे बरी कर दिया हो और जो उच्च न्यायालय है उसने उसे सजा दे दी हो, ऐसी स्थिति में आप अपनी अपील कहां ले जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हो। या फिर ऐसा मामला जो आपका अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है तो उच्च न्यायालय ने अपने पास मंगवा लिया है उस मामले को ऐसी, और आपको सजा दे दी है, मौत की सजा दे दी है, तो उसकी सुनवाई आप कहां ले जा सकते हो, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में वहां ले जा सकते हो।
अगला होता है अपराधिक या फौजदारी कहते हैं। अपराधिक किसी का मर्डर कर दिया, क्रिमिनल प्रकार के जो मुकदमे होते हैं, किसी को मारना, किसी को किसी से झगड़ा करना और किसी को मृत्यु करना, मर्डर करना, ये सारी चीजें आती है, ये सारी आपराधिक मामले होते हैं और इनकी जांच हमेशा छोटे न्यायालय करते हैं, अधीनस्थ न्यायालय करते हैं जो जिला स्तर पर होते हैं, इसके अलावा उच्च न्यायालय करते हैं। तो जिला न्यायालय ने अगर मान लो आपको 10 वर्ष की सजा दी है और उसे आप संतुष्ट नहीं हो तो आप कहां चले जाओगे, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय में आपको क्या है, सजा बढ़ा दी है, ऐसी स्थिति में आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर मान लो अधीनस्थ न्यायालय ने आपको 5 वर्ष की सजा दी और उच्च न्यायालय उस मामले को मंगा करके आपको 10 वर्ष की सजा दे दे तो आप उनसे संतुष्ट नहीं हो तो आप सीधे अपनी अपील कहां ले जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। तो अपीलीय क्षेत्राधिकारों की बात करें तो ये 3 प्रकार के अपीलीय क्षेत्राधिकार आते हैं। एक तो संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो उसकी सुनवाई हमेशा सुप्रीम कोर्ट करेगा, वहां वो अपील आप कहां ले जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। दीवानी प्रकार के मामले होते हैं जिससे निचली अदालतों से आप संतुष्ट नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आप कहां ले जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। आपराधिक मामले होते हैं और निचली अदालतों से आप उनसे संतुष्ट नहीं हो उनके फैसले से तो आप उसकी सुनवाई है तो अपनी अपील कहां ले जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हो। अब इस चीज को आप लिखिए जल्दी से। पहली बात क्या है कि दीवानी मामले अनुच्छेद 133 के तहत क्या किया जा रहा है कि अगर उच्च न्यायालय ने किसी केस के महत्व को संविधान की सारवान व्याख्या से संबंधित बताकर प्रमाण पत्र दिया है तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। यानी ऐसे मामले जो उच्च न्यायालय ने कह दिया कि संविधान की व्याख्या से संबंधित मामला है, इसका महत्व है वो संविधान की सारवान व्याख्या से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में ये अपील आप सीधी कहां चली जाएगी, सीधे अगर दीवानी प्रकार का मामला क्यों ना हो। दीवानी प्रकार के मामलों की मैं फिर कह रहा हूँ कि छोटे न्यायालय होते हैं वो इनकी जाँच करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला आ जाए जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में ये सीधा मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। ये अनुच्छेद 133 क्या है। अनुच्छेद 134 में क्या है, आपराधिक मामले, यानी निम्न प्रकार के आपराधिक मामलों की अपील आप सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हो। किस प्रकार के, अगर आपके साथ अगर अधीनस्थ न्यायालय में किसी को बरी कर दिया हो लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे 10 वर्ष या इससे अधिक सजा दी हो, अगर जिला स्तर पर कोई मामला चल रहा है और उस व्यक्ति को क्या कर दिया, उस जिला न्यायालय ने बरी कर दिया, इसके खिलाफ कोई अपराध नहीं, लेकिन उच्च न्यायालय ने उस मामले को अपने पास मंगा करके उसको क्या दे दिए, 10 वर्ष या इससे अधिक सजा दे दिए, ऐसी स्थिति में आप अपनी अपील कहां कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। अगर उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मुकदमे को अपने पास मंगा कर सजा दी, अगर आपका मामला जिला न्यायालय में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करके उसको अपने पास मंगवा लिया है और अपने पास मंगवा करके आपको सजा दिए तो ऐसी स्थिति में आप अपील कहां कर सकते हो, आप अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। ये है अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। लेकिन अब देखिए अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में क्या है, अभिलेख न्यायालय। कैसे अभिलेख न्यायालय, इसकी हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सभी के लिए सम्मान योग्य होंगे, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है वो सबको मानना पड़ेगा, सभी के लिए समान योग्य है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को आधार मानकर अन्य न्यायालय फैसला देंगे, अन्य न्यायालय यानी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होंगे वो क्या करेंगे, इन निर्णयों को आधार मानकर ही उनका फैसला देंगे। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को न मानने पर न्यायालय की अवमानना समझा जाएगा और ऐसे व्यक्ति को 6 माह की सजा या 2,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी नहीं मानता है तो इसे न्यायपालिका की क्या माना जाएगा, अवमानना। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 6 माह की सजा या 2,000 रुपए लगाए जा सकते हैं। अगला है सलाहकार संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह को उपलब्ध करवाना, यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत क्या है, सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या है, सलाह मांगी जा सकती है, लेकिन आगे क्या बात लिखी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देनी पड़ेगी और न ही राष्ट्रपति ने जो सर्वोच्च न्यायालय ने सलाह दी उसको मानने के लिए बाध्य है, लेकिन संविधान से पूर्व कोई विधि से संबंधित सलाह मांगी जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय को सलाह उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। संविधान लागू हुआ हमारे, उससे पहले अगर कोई कानून से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति द्वारा मांग ली जाती है ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध करवाना पड़ेगा। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय क्या है, बाध्य है। ठीक है, ये हमारे सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है। अब एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मैंने पीछे पढ़ा दिया था आपको वैसे मौलिक अधिकारों के समय, और नहीं तो कल बता देंगे, उसके बाद अपना ये टॉपिक खत्म।